चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मासूमाना सा, ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। हम अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, सही है, एंड ट्रायंगुलेशन को, सही है। बहुत ही बेसिक सी आइडिया है, याद रखिएगा, मेथोडोलॉजी का मतलब मेथोडोलॉजिकल का मतलब मेथोडोलॉजी, ठीक है। प्लूरलिज्म का मतलब होता है सिंगल का मतलब एक होता है, प्लूरल का मतलब होता है मल्टीपल, सही है। यानी कि यूज ऑफ मल्टीपल मेथोडोलॉजीज, क्या कह रहे हैं बेटा हम इसको, यूज ऑफ, ठीक है, यानी कि यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स, यानी कि हम मुख्तलिफ मेथड्स को यूज कर रहे हैं एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। अब जब मुख्तलिफ मेथड से यूज कर रहे होंगे तो भाई सिंपल सी बात है, मुख्तलिफ आंसर्स आ रहे होंगे, सही है। और आंसर्स अगर सिमिलर आना शुरू हो जाएंगे तो आप बोलोगे यार ये चीज बिल्कुल ठीक है। लेट सपोज आपने एक रिसर्च की इंटरव्यूज के थ्रू और दूसरी रिसर्च की क्वेश्चनर्स के थ्रू, ऐसा ही है, ठीक है। दोनों का आंसर अगर सिमिलर आ गया तो ऑन सीन हो जाएगा, सही है, आप बोलोगे यार आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का मतलब है, लेट सपोज क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। आपने एक मेथोडोलॉजी उठाया क्वांटिटेटिव और एक उठाया सब्जेक्टिव, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव उठाया और एक सब्जेक्टिव उठाया। अब आपने क्या कहा, एक की वीकनेस को दूसरे की स्ट्रेंथ बराबर करेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसकी लो रिलायबिलिटी होती है, लो ऑब्जेक्टिविटी होती है और लो रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है, ऐसा ही है। बट इफ यू टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव डेटा तो उसके अंदर तीनों चीजें स्ट्रेंथ में आती हैं, और बट उसकी वीकनेस क्या है, वैलिडिटी लो होती है, लो लेस डिटेल्ड होता है। तो अगर आप एक मेथोडोलॉजी क्वांटिटेटिव रख लो और एक क्वालिटेटिव रख लो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक की वीकनेस को दूसरे की स्ट्रेंथ बराबर कर देगी, तो ऑटोमेटिकली मामला बिल्कुल ओके हो जाएगा। यानी कि यूज ऑफ मोर देन मेथोडोलॉजी, यानी कि एक से ज्यादा मेथोडोलॉजी को यूज करने का नाम क्या है, मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। समझ आई बात? अच्छा, अब इस बात को और आगे लेके चलते हैं। कहते हैं मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म ना वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है बेटा? एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसकी जो एप्लीकेशन है वो हमें मिलती है ट्रायंगुलेशन के अंदर। ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या है, यूजिंग मिक्स मेथड्स, यानी कि बहुत सारे मेथड्स को मिलाकर यूज करना, बहुत सारे मेथड्स को मिलाकर यूज करना। अब लेट सपोज अब ट्रायंगुलेशन मुख्तलिफ है, देखो ट्रायंगुलेशन के अंदर बहुत सारे मेथड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी फॉर्म का डेटा भी हो सकता है, बहुत सारे रिसर्चर्स भी यूज कर सकते हैं। देखो ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या है, ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का मतलब टू और मोर, सही है, दो या दो से ज्यादा फॉर्म का डेटा कलेक्ट कर लिया मैंने, बेटा समझ में आ रही है बात, दो या दो से ज्यादा फॉर्म का डेटा कलेक्ट कर लिया, दो या दो से ज्यादा रिसर्चर्स को एक रिसर्च में इंप्लीमेंट अप्लाई करवा दिया, दो या दो से ज्यादा मेथोडोलॉजीज यूज कर ली, तो ऑटोमेटिकली डेटा डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डेटा क्या हो जाएगा, एक वेरीफाइबल डेटा होगा जिसको चैलेंज करना डिफिकल्ट होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ में आई बात। अब लेट सपोज मैंने एक ऑफिशियल स्टैट्स ले लिए, सही है, और उसी सोसाइटी के अंदर उसी सैंपलिंग फ्रेम के ऊपर एक छोटे सैंपल साइज के ऊपर रिसर्च भी कंडक्ट कर ली, तो मुझे पता चल गया कि ये जो ऑफिशियल स्टैट्स का डेटा था ये बिल्कुल परफेक्ट डेटा है या परफेक्ट डेटा नहीं है, यानी कि ट्रायंगुलेशन, यानी कि मल्टीपल मेथोडोलॉजीज को यूज कर लिया जिससे मेरी चीज को ऑथेंटिकेशन मल्टीप्लाई हो गई। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमारे पास डेंजन की थ्योरी आती है, कहते हैं ऑफसेट द वीकनेस ऑफ वन मेथड्स विद द स्ट्रेंथ ऑफ अनदर वन, यानी कि दूसरे की स्ट्रेंथ से आप उसको बराबर करते हो, सही, यानी कि दिस इज ऑल अबाउट मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन, टू और मोर रिसर्चर्स। अब देखो इस बात को मैं समझाता हूं पहले, ठीक है, अगर मैं इस चीज को आपको यहां से समझाऊं, ये बात तो समझ में आती होगी, ऑफसेट ऑफ वन वीकनेस ऑफसेट द वीकनेस ऑफ वन मेथड विद द स्ट्रेंथ ऑफ अनदर, यानी कि एक की वीकनेस को दूसरे की स्ट्रेंथ से कवर करना, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया, क्वांटिटेटिव की वीकनेस से क्वालिटेटिव से, क्वालिटेटिव की वीकनेस को क्वांटिटेटिव से बराबर कर दिया आपने, एनी कंफ्यूजन टेलिया, यहां से समझ में आती है बात, ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता, अब अगर हम मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की बात करते हैं, यानी कि हम यूज ऑफ मल्टीपल मेथोडोलॉजीज की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक तरीका तो यह कि मैं दो या दो से ज्यादा रिसर्चर्स यूज कर लूं एक रिसर्च में, दो या दो से ज्यादा रिसर्चर्स यूज कर लूं एक रिसर्च के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं इस बात को और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, वन रिसर्चर विथ मल्टीपल टेक्निक्स, यानी कि आपने कहा एक रिसर्चर को मल्टीपल टेक्निक्स दी और उससे कहा रिसर्च कंडक्ट करके लाओ, सही है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है,
कि आपने अगर इस चीज को देखना है, अगर आपने इस चीज को देखना है कि एक रिसर्चर मल्टीपल रिसर्चर्स करने के बाद भी मेथोडोलॉजी का प्लूरलिज्म अचीव कर लेगा, फिर अगर इस बात को मैं और एक्सप्लेन करता हूं तो इसका मतलब हुआ कि मल्टीपल रिसर्चर विद मल्टीपल टेक्निक्स, यानी कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टेक्निक्स दे दी और उनसे कहा भाई आपने ट्राइंगुलेशन अप्लाई करके अपने अपना डेटा लेके आना है, और ट्राइंगुलेशन इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि सारा डेटा मेरे पास आ गया, अब उस डेटा के अंदर मैं एनालाइज कर रहा हूं कि यहां पर क्या हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देते हैं, जब आप अगर आप कोई टेलीविजन शो देख रहे हो तो टेलीविजन शो के अंदर क्या होता है कि एक एंकर ने एक अपना रिपोर्टर भेजा हुआ होता है उस जगह के ऊपर, सही है, वो गवर्नमेंट का नैरेटिव भी ले रहा होता है, सही है, गवर्नमेंट का नैरेटिव भी आ रहा है, यानी कि एक मेथोडोलॉजी एक फॉर्मूला के थ्रू आपके पास डेटा आ गया प्राइमरी रिसर्च के थ्रू, गवर्नमेंट का डेटा जो है वो क्या हो गया ऑफिशियल स्टैट्स क्या कहते हैं सेकेंडरी मेथोडोलॉजी के थ्रू आ गया, और वो जो है डिफरेंट लोगों का ओपिनियन भी लेके आ रहा है यहां, इट मीन्स दे आर गोइंग फॉर द ट्राइंगुलेशन, मुख्तलिफ फॉर्मूलाज को यूज करके एक एनालिसिस डेवलप किया जा रहा है। This is all about the idea of realism. Realism is more about the use of quantitative and qualitative methodologies. The use of both quantitative and qualitative. Giddens की जो approach है, postmodernist approach है, कि भाई वो कहते हैं कि हमें objective research भी चाहिए और subjective research भी चाहिए। तो actually जब आप एक research में quantitative methodology भी और qualitative methodology भी use करोगे, तो आप दरअसल उसके अंदर realism को support कर। I would like in a lot of cases specific methodologies, जैसे कि if you want to find the crime rate, तो you just look at secondary research through government stats now. तो इन दोज केसेस वुडंट गोइंग फॉर मल्टीपल रिसर्च एंड मल्टीपल टेक्निक्स बी अ वेस्ट ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल, कॉस्ट में भी मैं आऊंगा इसकी आगे के नेगेटिव पॉइंट के अंदर, कि भाई इसमें बहुत सारे कॉस्ट भी बहुत इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ठीक ठाक कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी रिसर्च का साइज बढ़ जाता है, कभी कभी एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है, विल डिस्कस इट लेटर, मैं आगे पढ़ूंगा, आगे की साइड में करूंगा डिस्कस, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इस बात को आगे लेके चलता हूं, ट्राइंगुलेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती है, लाइक बहुत सिंपल सी बात है, आपने कहा एक है रिसर्चर ट्राइंगुलेशन, सही है, यानी कि मल्टीपल रिसर्चर्स यूज हो रहे हैं, मल्टीपल रिसर्चर्स यूज हो रहे हैं, सही है, डेटा ट्राइंगुलेशन मल्टीपल फॉर्म ऑफ डेटा यूज हो रहा है, मल्टीपल फॉर्म ऑफ डेटा यूज हो रहा है, फिर आती है मेथोडोलॉजिकल ट्राइंगुलेशन, ये तो हर जगह पे अप्लाई होती है, मेथोडोलॉजिकल ट्राइंगुलेशन हर ट्राइंगुलेशन को मेथोडोलॉजिकल कहते हैं कि जिसके अंदर एक से ज्यादा मेथोडोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म ऑफ डेटा के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, यानी कि इसको तो मैं आगे जाके मिटा भी दूंगा, लेकिन ये कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अगर टाइप्स ऑफ ट्राइंगुलेशन की बात की जाए तो रिसर्चर और डेटा होती है, मेथोडोलॉजिकल तो हर ट्राइंगुलेशन होगी होगी लाजमी, सही है। अच्छा, अब हमारे पास बर्गर क्या कहते हैं बाकर की थ्योरी आती है, बाकर की थ्योरी ने क्या किया, बाकर ने क्या किया, अब देखो ये डेटा कहां कहां पे, ये जो मैं आपको सोशियोलॉजिस्ट बता रहा हूं ये कहां कहां यूज होगा, बेटा ये ट्राइंगुलेशन में भी यूज होगा, एक तीर से दो शिकार ट्राइंगुलेशन, और इनकी जो मेथोडोलॉजीज है आप बोलोगे बाकर यूज ओवरट ऑब्जर्वेशन रिसर्च, ओवरट ऑब्जर्वेशन, अब देखो इसमें बाकर ने क्या क्या किया, ओवरट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यूज किए, इसने क्वेश्चनियर्स को यूज किया, ठीक है, और किसके लिए यूज किया, स्टडी ऑन यूनिफिकेशन ऑफ चर्च, स्टडी ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ चर्च, अब देखो बेटा कभी भी एग्जाम के अंदर इन तीनों मेथोडोलॉजीज को आंसर कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली बाका की रेफरेंस दोगे, द बाका यूज द सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज फॉर द स्टडी ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ चर्च, आपके पास एग्जाम्पल हो गई, सोशियोलॉजिकल स्टडी हो गई, ठीक है, यानी कि आप एक मेथोडोलॉजी याद करने के बाद, एक स्टडी याद करने के बाद तीनों पे अप्लाई कर सकते हो, चार टॉपिक पे अप्लाई हो सकती है, इन तीन टॉपिक के ऊपर और ट्राइंगुलेशन के ऊपर, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा जी, आगे लेके चलते हैं, फिर हे की अप्रोच आती है, हे कहते हैं कि भाई हे की जो अप्रोच है बहुत, हे बंदे का नाम है, ठीक है, मेरा नाम नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्टडी गर्ल, एक सेकेंड, स्टडी गर्ल फ्रेंडशिप्स इन टू लंदन स्कूल्स, इन्होंने दो लंदन के स्कूल्स के अंदर गर्ल्स की फ्रेंडशिप को एनालाइज किया, सही है। अब इन्होंने जब गर्ल्स की फ्रेंडशिप को एनालाइज किया तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि इन्होंने पहले मेथोडोलॉजी यूज की पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, यानी कि वहां पर जाके ऑब्जर्व किया उनको, वहां पर जाके उनको ऑब्जर्व किया, दूसरा इन्होंने उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो डायरीज थी उनका एक्सेस गेन किया, क्या गेन किया बेटा, डायरीज का एक्सेस। अब यहां पर अगेन प्रॉब्लम आ गया, ट्राइंगुलेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, किसी एक मेथोडोलॉजी को लोग एक्सेस नहीं दे रहे, बहुत सारी गर्ल्स ने अपनी डायरीज का एक्सेस नहीं दिया, समझ में आई बात, तो अब क्या हुआ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्या है बेटा ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, स्टडी गर्ल फ्रेंडशिप्स इन टू लंदन स्कूल्स, दे यूज फॉर दे गो फॉर द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड दे गो फॉर द पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, एथिकल प्रॉब्लम में बिल्कुल आ जाएगा कि भाई आप, लेकिन आप एथिकल प्रॉब्लम में इससे ज्यादा ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक्सेस नहीं दे रहा ना कोई,
एथिकल प्रॉब्लम तब होता जब आप ओवर कोवर्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ जा रहे होते, कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते, तो वो एथिकल प्रॉब्लम था कि आप बगैर बताए कंसेंट रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ आ रहे। अभी मैं आऊंगा, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब डेटा ट्रायंगुलेशन के अंदर जो चीज आती है वो आती है क्या कि भाई डिफरेंट सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा रही है। लेट्स सपोज डेटा ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि 100 लेट्स सपोज आपने एरिया 1 के अंदर 100 लोगों पे रिसर्च की, एरिया 2 के अंदर 100 लोगों पे रिसर्च की और डेटा को कंपेयर कर लिया, डिफरेंट सैम्पलिंग स्ट्रेटजी यूज करके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा कलेक्ट किया और उसको एनालाइज करके ट्रायंगुलेशन के थ्रू अप्लाई कर दिया। फिर क्या कहते हैं, वेंकटोश की स्टडी थी ऑन ड्रग डीलिंग के ऊपर। उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एनालाइज किया, फिर इंडिविजुअल पीपल एक्सपीरियंस, यानी कि जो लोग ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व थे उनका एक्सपीरियंस लिया और फिर अपना एक्सपीरियंस लिया दोनों का, यानी कि क्या हुआ, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा आ गया आपके पास। जब आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा आ गया तो ऑटोमेटिकली आप उसको क्या कर सकते हो, डेटा ट्रायंगुलेशन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। ठीक है, पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, रिसर्चर ट्रायंगुलेशन स्टैंड फॉर व्हाट, कि डिफरेंट रिसर्चर सेम मेथोडोलॉजी, एक मेथोडोलॉजी के ऊपर, यानी कि अब पे काम करते हैं डिफरेंट रिसर्चर सेम मेथड, अगर सेम रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट आपका हाइपोथेसिस बिल्कुल ओके चल रहा है, ठीक है। यानी कि यू आर एबल टू प्रूव योर हाइपोथेसिस इफ डिफरेंट रिसर्चर्स आर गोइंग विद द सेम मेथोडोलॉजी बट एंड दे आर कमिंग विद द सेम रिजल्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, रिसर्चर ट्रायंगुलेशन हो गया, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया, रिसर्चर ट्रायंगुलेशन एंड डेटा ट्रायंगुलेशन, दीज आर द कोर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन, यानी कि यूज ऑफ टू और मोर मेथोडोलॉजीज, यूज ऑफ टू और मोर फॉर्म ऑफ डेटा, यूज ऑफ टू और मोर फॉर्म ऑफ रिसर्चर्स, ठीक है जी सर। स्टडी ऑफ यूनिफिकेशन, ये रिसर्च का नाम था इन्होंने, हाँ रियलिज्म के अंदर, रियलिज्म इज ऑल अबाउट द आइडिया। अच्छा, रियलिज्म कहां पर अप्लाई होता, देखो रियलिज्म का मैं नाम जान मुझे क्यों नहीं ले रहा, रीजन दे देता हूं। देखो इसके अंदर दो मेथोडोलॉजीज क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं, सही है। अगर आपकी एक मेथोडोलॉजी क्वांटिटेटिव है और दूसरी क्वालिटेटिव है तो फिर वो रियलिज्म का पार्ट बन जाएगा, अदरवाइज ये मेथोडोलॉजी का प्लूरलिज्म का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। रियलिज्म इज मोर अबाउट द आइडिया कि आपने क्वांटिटेटिव डेटा से भी एनालाइज किया और क्वालिटेटिव डेटा से भी एनालाइज किया, ठीक है। फिर नेगेटिव पॉइंट लेते हैं इसके, भाई टाइम का प्रॉब्लम होता है, फंड्स बर्बाद होते हैं, सही है, डिफिकल्ट टू एनालाइज होता है बहुत ज्यादा, डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट होता है सबसे ज्यादा, यानी कि भाई दो रिसर्चर्स हैं, दो से ज्यादा रिसर्चर्स हैं, उनके ऊपर रिसर्च करना, यानी कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, सिमिलर फॉर्म की रिसर्च रखना, बड़ा ही कोई क्वाइट डिफिकल्ट फॉर्म फिनोमेना होता है, ठीक है। यानी कि कई मरतबा ट्रायंगुलेशन इज डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट करना उसको बहुत मुश्किल होता है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रियलिज्म और मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म में, रियलिज्म और मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म दोनों थ्योरीज का नाम है। रियलिज्म इज व्हाट, वंस यू आर यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज, इंटरप्रेटिविस्ट एंड पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज, ठीक है। मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म हर उस मेथोडोलॉजी को कहेंगे जब आप एक रिसर्च के ऊपर एक से ज्यादा मेथड को या एक से ज्यादा टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो। क्लियर हो गया?